हेलो दोस्तों आ गई हूँ मैं एक न्यू रेसिपी के साथ और अपनी रसोई बाय प्रीति में आपका बहुत बहुत स्वागत हो गया है आज की जो रेसिपी है वो है चिकन की रेसिपी और बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही चटपटा सा ये चिकन आज हम लोग बनाएंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले कर दीजिए लाइक कमेंट शेयर अगर वीडियो पसंद आता है तो कर लीजिए सब्सक्राइब अगर नहीं वीडियो पसंद आए तो कर दीजिए डिसलाइक तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो पहले मैंने वो चिकन ले लिया और उसके बाद मैंने कुछ मसाले लिए हैं अभी तो प्याज लहसुन अदरक है और उसके बाद ये देख लीजिए काली मिर्च खड़ी धनिया और इलायची और सूखी लाल मिर्च तेज पत्ता है और दालचीनी है ये सारे मसाले हैं इनको हम साइड में रखेंगे पहले जो है हमें प्याज का मसाला पीस लेना है तो प्याज लहसुन और अदरक को हम एक ही साथ में पीस लेंगे तो इसको हम दूसरी साइड हम कढ़ाई चढ़ा देंगे तेल डालकर और उसमें हम चिकन को फ्राई कर लेंगे तो आप देख सकते हैं ना मैंने चिकन में कोई मसाला लगाया है कुछ भी नहीं लगाया है बिना किसी मसाले के क्योंकि हम मैंने पहले ही बताया बहुत कम मसालों में आज हम चिकन बनाएंगे तो कोई मसाला नहीं है कोई हल्दी नहीं है सिर्फ ऐसे ही हमको चिकन को फ़्राई कर लेना है ताकि जिस जो इसमें पानी छूटे वो अच्छे से जल जाए और चिकन में स्मेल वगैरह नहीं आए तो ये हो गया है अब हमारा चिकन रेडी अब ये जो मसाले हैं इनको हम लेंगे पीस तो हल्का सा गर्म करके इनको हम सिल पे पीसेंगे सिल पे पीस पीसने से एकदम स्वाद जो है ज़बरदस्त होता है और बहुत ही टेस्टी ये बन जाता है तो चिकन हमारा फ्राई हो गया है और हम इसको साइड में निकाल लेंगे और इसको अच्छे से हमें निकाल लेना है और जो तेल इसका बचेगा थोड़ा सा निकाल देंगे तेल और थोड़ा ही हम इसमें रखेंगे तो फिर सबसे पहले इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च लाल मिर्च का बहुत ध्यान रखिएगा अगर आप कम खाते हैं तो मत डालिएगा क्योंकि बहुत ही तेज़ हो जाएगी उसके बाद जो हमने प्याज वग़ैरह पीसा था लहसुन अदरक वो हम डाल देंगे और उसको हम भूनेंगे इसमें हम डालकर इसको चला लेंगे और भूनेंगे और उसके बाद कुछ बेसिक मसाले डालेंगे जैसे हल्दी और लाल मिर्च इसलिए मैं बार बार लाल मिर्च बोल रही हूँ क्योंकि मसाला बहुत तेज़ ना हो जाए चिकन ख़राब हो जाएगा तो उसके बाद मैंने काश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है ताकि कि चिकन में कलर अच्छा आ जाए और इसको हम चलाएंगे तो ये देखिए अब मैंने चलाया हल्का हल्का सा जो है ये तेल छोड़ने लगा है ये बहुत ही ज़बरदस्त देखिएगा चिकन बनकर रेडी होगा बिना बहुत ही कम मसालों में और उसके बाद आप जो इसकी जान है चिकन की वो डाल देंगे मतलब जो सूखे मसाले थे जिनको मैंने सिल पर पीसा था आप भी इसको सिल पर पीसीएगा देखिएगा टेस्ट इतना ज़बरदस्त निखर के आएगा ना कि आप कहेंगे सच में किसी की रेसिपी ट्राई की थी अब इसके बाद हम इसमें जो है दही डाल देंगे फिटा हुआ अगर आप डालिए डालिए नहीं तो कोई बात नहीं है कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि हमें इसमें दही डालना ही है तो अब ये देखिए ये सब मिलाकर अब हम इसमें चिकन डाल देंगे और चिकन को सिर्फ दो से पाँच मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने चिकन पहले ही फ्राई कर लिया है तो चिकन को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं मसाला भुना ही हुआ है अब इसको हम अच्छे से चलाएँगे और बस इसको पाँच मिनट के लिए भुनेंगे जब तक इसका तेल ना छोड़ दे अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे मतलब अगर आप चाहें तो आप इसको सूखा रख सकते हैं चाहे तो ग्रेवी वाला रखें तो मैं ग्रेवी वाला रख रही हूँ क्योंकि मैं इसको लंच में बना रही हूँ अब इसको में हम डाल देंगे हरी धनिया की पत्ती और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए नमक इसलिए मैंने अभी डाला बहुत लोग पहले डाल देते हैं मैं लास्ट में डालती हूँ क्योंकि हमें ग्रेवी अगर देख के आप डालेंगे तो नमक सटीक पड़ेगा उसके बाद मीट मसाला डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा चलाएँगे तो गैस हमारी कंटिन्यू स्लो पे चल रही है तेज नहीं करना है उसके बाद हम इसको ढाक देंगे और इसको पकाएंगे पाँच से दस मिनट इसके बाद जब ये तेल छोड़ देगा तेल चिकन तो हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे और उसके बाद हम गैस को ऑफ़ कर देंगे हमें चिकन को बहुत नहीं पकाना है वरना चिकन गल जाएगा तो आप ये देखिए हमारा चिकन एकदम बनकर रेडी हो चुका है बहुत ही टेस्टी है और इसकी खुशबू तो इतनी लाजवाब है कि काश अगर स्क्रीन पर सिर्फ देखने वाला है अगर खुशबू वाला होता ना तो आपको पता चलता कि वाकई कितना यम्मी बना है तो खाइए पिए अपना ख्याल रखिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में